देखो ना, OMG2 चला के दिखाया ना सर, हाउसफुल दिखाया ना सर, आज भी हाउसफुल है। और मेरी एक ही ख्वाहिश है, आने वाली आपकी जितनी फिल्म है ना, सब OTT के बजाय बड़े बड़े थिएटर में बड़े बड़े पर्दे पे दिखे। तो दोस्तों, OMG2 ने 11वें दिन की अच्छी कमाई और 12वें दिन की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट भी आ चुकी है सामने। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म OMG2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और गदर 2 से मिल रही टफ कंपटीशन के बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाई हुई है। OMG2 का 10वें और 11वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है। इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, जो भी इसे देख रहा है वो इसकी तारीफ करने से नहीं थक रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी OMG2 ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। अमित राय के निर्देशन में बनी यह फिल्म स्कूलों में यौन शिक्षा की वकालत मजबूती से करती है। फिल्म में अक्षय कुमार का रोल भगवान शिव के दूत में है। पंकज त्रिपाठी ने कांतिचरण मुद्गल का किरदार निभाया है, जिसकी भगवान शिव में अटूट आस्था है। वही यामी गौतम कामिनी माहेश्वरी के कैरेक्टर में नजर आई है। दोस्तों, फिल्म OMG2 का 10वें और 11वें दिन का कलेक्शन सामने आया है। आइए जानते हैं फिल्म ने 10वें दिन कितना कलेक्शन किया है। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर साकनिल के आंकड़ों के अनुसार 10वें दिन का कलेक्शन 12 करोड़ 70 लाख है। कुल मिलाकर इस फिल्म ने 114 करोड़ कमा लिए हैं। वही बात करें बीते दिनों की, तो अक्षय कुमार की फिल्म OMG2 ने 90वें दिन 10 करोड़ 53 लाख का बिजनेस किया। बात करें 11वें दिन की, तो ये दिन कुछ खास नहीं रहा और 11वें दिन OMG2 ने लगभग 4 करोड़ का बिजनेस किया। वही बताया जा रहा है कि आने वाली छुट्टियों में यानी हॉलीडेज में OMG2 का कलेक्शन फिर बढ़ेगा। फिल्म की कहानी को देखते हुए कई ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि OMG2 आने वाले समय में अच्छी कमाई कर सकती है। वही OMG2 की 12वें दिन की एडवांस बुकिंग 1 करोड़ के पास हो गई है। रिलीज से पहले फिल्म विवादों से घिरी हुई थी। रिलीज से पहले इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव का रोल प्ले करते थे, तो वही फिल्म में बदलाव करते हुए उन्हें बाद में शिव के दूत के रूप में दिखाया गया। इसी के साथ ही लोगों की भावनाएं आहत न हो, इसीलिए भी फिल्म में कई बदलाव करवाए गए। उसके बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड ने यह सर्टिफिकेट दिया। खैर दोस्तों, अब तो OMG2 को बॉक्स ऑफिस पर काफी प्यार मिल रहा है। वैसे दोस्तों, अब आप अक्षय कुमार की आने वाली कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ड फैन है, तो ऐसी ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।